हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर हम जब भी कोई गाना सुनते हैं या मूवी देखते हैं या कोई म्यूजिक सुनते हैं या फिर हम कोई प्लेलिस्ट को प्ले करके छोड़ देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ समय बाद ऑटो स्टॉप हो जाती है और वीडियो चलते चलते ऑटोमेटिक पॉज हो जाती है। फिर हमें उस वीडियो को मैन्युअली ओके पर क्लिक करके रन करना पड़ता है, तभी वीडियो फिर से प्ले होती है। इससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होती है और हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक पूरा देखना, अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पॉज कंटिन्यू वॉचिंग, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ और इन दोनों में से अगर आपने कोई भी एक को भी अप्लाई कर लिया तो आपका ये प्रॉब्लम, ये पॉज होने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने दोनों तरीका को अप्लाई कर लेंगे तो 200% मैं कह सकता हूँ कि आपका जो पॉज होने का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगा। चाहे आप 10 घंटे का प्लेलिस्ट को प्ले कीजिए या फिर 5 घंटे का प्लेलिस्ट को प्ले कीजिए, आपका वीडियो कभी पॉज नहीं होगा, वो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है, मोबाइल फ़ोन के लिए है। और अगर आप कंप्यूटर पर वॉच करते हो वहाँ पर भी अगर आपका वीडियो पोस्ट होती है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे चैनल पे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल फ़ोन पर एक छोटा सा सेटिंग कर लेना है। तो वो सेटिंग क्या है, आपको सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करके आपको ऐप मैनेजमेंट जाना है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का क्या है, इस पर क्लिक करना है। हो सकता है आपका मोबाइल में कहीं दूसरी जगह पर होगा लेकिन ऐप मैनेजमेंट में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको YouTube को फाइंड करना है, आपका जो YouTube एप्लीकेशन है उसको ढूंढना है कहाँ पे है। तो मैं वो YouTube को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा, 100 सिस्टम प्रोसेस में होगा। आपका वहाँ पे हो सकता है कि पहले ही मिल जाए, हर मोबाइल का थोड़ा अलग अलग होता है इंटरफेस। मेरा देखिए यहाँ पे मुझे YouTube को मिल गया, बहुत नीचे में है मेरा YouTube, यहाँ पे देखिए मुझे YouTube मिल गया। तो मुझे क्या करना है, सिंपली YouTube को क्लिक करना, ओपन करना है। आपको भी अपना मोबाइल पे जब YouTube फाइंड हो जाएंगे ऐप मैनेजमेंट में जाके तो आप YouTube को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको स्टोरेज यूजर्स में क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर लेंगे आप, स्टोरेज यूजेस और डाटा यूजेस स्टेटस। तो पहले आप स्टोरेज यूजेस में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्लियर डाटा है, क्लियर कैसे है, आपको दोनों को क्लियर कर देना है। अब इसको भी क्लियर कर देंगे और इसको भी क्लियर कर देंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, उसके बाद इसको भी क्लियर कर देंगे, दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद आप रिटर्न आ जाइए, डाटा यूजर स्टेटस में चेक कीजिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, आपको बस वही क्लियर करना है। अभी मैं आपको सेकंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ये पहला ट्रिक्स आप कर लेंगे, उसके बाद सेकंड ट्रिक्स आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, आप अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे या कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है डू नॉट पॉज, रिमेंबर डू नॉट पॉज, DON पॉज, आपको डू नॉट पॉज करके उसको सर्च में क्लिक कर देना है। तो आपको देखिए ये वाला लोगो आप देख सकते हैं, आपको ये वाला लोगो पर ध्यान देना है, ये डू नॉट पॉज। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक APK फाइल मिलेगा, आप इस पर इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन पर। देखिए मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद मैं ये कहाँ पर सेव होगा, आप अपना जो फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाके आप डाउनलोड वाला जो आपको फोल्डर है वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यह पे डाउनलोड फोल्डर में क्लिक होके यहाँ पे आया हुआ है डू नॉट पॉज, ये वाला डाउनलोड होके आपका फाइल मैनेजर में सेव होगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, डाउनलोड वाला फोल्डर पर। तो मैं इसको सिंपली अब इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको डबल इस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, तो मैं इसको ओके पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, ओपन में क्लिक कर देना है या फिर डन, कोई भी आप कीजिए नो प्रॉब्लम, सिंपली मैं ओपन में क्लिक करता हूँ।
ओपन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे दो बटन मिलता है, एक ग्रीन बटन एक रेड बटन। ग्रीन बटन का मतलब स्टार्ट और रेड बटन का मतलब होता है स्टॉप। तो आपको क्या करना है, इसको अभी स्टार्ट कर देना है। आप जस्ट आप जब भी कोई प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे तो वीडियो देखने से पहले आप जस्ट इसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर देने के बाद आप कोई भी एक वीडियो प्ले कीजिए, जस्ट आप यूट्यूब में जाइए या फिर कोई भी वीडियो प्ले कीजिए। जैसे कि मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्ले वीडियो प्ले हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए ये मॉनिटरिंग योर म्यूजिक, मतलब अभी तो हमारा वीडियो प्ले हो रहा है, ये जो एप्लीकेशन है इसको मॉनिटर कर रहा है और इसको कभी पॉज होने नहीं देगा। अगर वीडियो ऑटोमेटिक पॉज हो भी जाता है, ये एप्लीकेशन जो है इसको पॉज होने नहीं देगा और ये तब तक चालू रहेगा जब तक आपका प्लेलिस्ट चलता रहेगा। आपका प्लेलिस्ट अगर 10 घंटे का होगा, 20 घंटे का होगा या फिर 5 घंटे का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो एप्लीकेशन है इसको कभी, ये एप्लीकेशन आपको प्लेलिस्ट को कभी पॉज होने देगा ही नहीं, ये हमेशा इसको मॉनिटर करता रहेगा। और जब भी आपका प्लेलिस्ट खत्म हो जाए, वीडियो वॉच करना खत्म हो जाए, आपको जस्ट क्या करना है, उसको बंद कर देना है। बस आप इसको ओपन कर लेंगे और जस्ट इसको आप रेड बटन में क्लिक कर देंगे, इस तरह से यह पॉज हो गया जब आपका प्लेलिस्ट देखना कंप्लीट हो गया या वीडियो देखना कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आपको प्लेलिस्ट को स्टार्ट करना है या फिर वीडियो को स्टार्ट करना है, और फिर आप पहले सबसे पहले आप अपना ये जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेंगे, ग्रीन बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आप प्लेलिस्ट को स्टार्ट कीजिए और पूरा प्ले कीजिए। जब खत्म हो जाएगा फिर इसको रेड बटन में क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका जो वीडियो पॉज कंटिन्यू वॉचिंग का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे और कभी आपका वीडियो पॉज नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप इस मैंने जो दो ट्रिक्स बताया, आप दोनों ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका वीडियो पॉज होता है या नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।